अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्लीव्स की बहुत ही आसानी से स्लीव्स की कटिंग देखेंगे। ये देखिए, ये हमने डबल फोल्ड का पेपर ले लिया है। ये हम 32 चेस्ट की स्लीव्स निकालेंगे, 32 स्लीव्स की 5 इंच लेंथ की स्लीव्स की कटिंग करेंगे। लेंथ 5 इंच, तो ये देखिए, तो ये पेपर हम डबल फोल्ड में ले लिए हैं। अब हम इसकी लेंथ हमको 5 इंच की स्लीव्स बनाना है, तो हम यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए, ये 6 इंच की मार्किंग की है। और इसकी चौड़ाई, जैसे कि हमारी 32 की चेस्ट है, 32 का चौथा भाग होता है 8, तो हम इसकी चौड़ाई 8 लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये 8 चौड़ाई की हमने चौड़ाई हमने 8 इंच की ले लिए और लंबाई हमने 6 इंच की, तो हम इसका एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए, 5 इंच की हमारी स्लीव्स है, 1 इंच हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे सिलाई के लिए, ऊपर और नीचे। ये देखिए, इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये लेंथ हमारी 6 इंच है, 5 + 1 6 इंच, और चौड़ाई हमारी छाती का चौथा हमारा 8 आ रहा है, तो 8 की हमने चौड़ाई ले ली है, तो 8 × 6 का हमारा ये बॉक्स तैयार हो गया। तो इसके अंदर हम, ये बंद बाजू है और ये दो खुले मुंह हैं, तो खुले मुंह की तरफ से हम यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम 2.5 इंच लेंगे और इसको हम इस तरह से एक क्रॉस लाइन लगा लेंगे। 6 इंच से 2.5 इंच तक हम एक क्रॉस लाइन लगा लेंगे और उस लाइन को हम डिवाइड करेंगे। ये देखिए, ये आ रही है 8.5, तो हम इसका सेंटर निकालेंगे। 4.5 पे एक सेंटर आएगा। ये देखिए, इस तरह से और एक इसका सेंटर निकाल लेंगे, यहाँ पर एक और ये यहाँ पर एक, तो हम इसके पार्ट कर लेंगे। 4 पार्ट में हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। आज मैं बहुत ही डिटेल में आपको स्लीव्स की कटिंग बता रही हूँ। इसको अगर आपने एक बार ध्यान से देख लिया तो आपको कभी भी स्लीव्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम सीधे में 1 इंच ले लेंगे, यहाँ पर हम सीधे में 1 इंच आएगा और यहाँ पर हमारा 1 इंच सीधे में आएगा। तो देखिए, ये जो हमारा सेंटर है, यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर मिलेंगे, यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर, और इसी सेंटर को नीचे में 1/4 इंच नीचे, दोनों का मिलकर इन दोनों के अंदर 1/4 इंच का डिस्टेंस चाहिए, 1/4 इंच का डिस्टेंस आना चाहिए इन दोनों के अंदर। ये देखिए, इस तरह से, और ये यहाँ से 1 इंच तक लिए हमने और यहाँ से 1 इंच नीचे सीधे लिए। अब इसको ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, इन तीनों को हमको पहले ऊपर वाला जो बाहर का पीछे का शेप होता है वो देना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, इनको इस तरह से जमाना है कि हमारा स्लीव्स का बहुत ही अच्छे से शेप आए। ये देखिए, इस तरह से,
और इसके बाद इसी ये पॉइंट, ये नीचे वाला पाव इंच का ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट को हमको इस तरह से जॉइंट करना है कि हमारा अंदर वाला आगे की जो हमारी स्लीव्स का जो आगे का पार्ट होता है उसका कट आए। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से अगर आप स्लीव्स का शेप देंगे तो आपको स्लीव्स के अंदर कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, झुड़ी की हर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और फिर इसके बाद हमारी जैसे के 6 इंच का, यहाँ पर हम 12 इंच की अगर हमारा हमको स्लीव्स का दंड की गोलाई रखनी है तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1 इंच अगर हम मार्जिन ले रहे हैं तो 7 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और इसको हम लाइन मार देंगे। और ये देखिए इस तरह से अगर हम स्लीव्स का शेप देंगे तो बहुत ही आसानी से बिगिनर्स स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसकी कटिंग करके बताती हूँ, ये हमने हटा दिए। और स्लीव्स कट करते हुए हमको हमेशा सबसे पहले पीछे वाला पार्ट कट करना है। ये हो गया हमारा स्लीव्स कट और फिर इसके अंदर हम इसको खोल लेंगे और इसका फ्रंट पार्ट कट कर लेंगे। ये देखिए ये हो गई हमारी स्लीव्स कट बहुत ही आसानी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching.